नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बिहार STET 2024 का जो भी इसमें नया अपडेट आया है उसको मैं आज बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी के लिए करेक्शन से जुड़ी एक नई अपडेट जारी की गई है और डमी एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा इसका भी डेट घोषणा कर दिया गया है और फाइनल जो इसका आपका डेट था करेक्शन का वो भी जारी कर दिया गया है ऑफिशियली तौर पे। तो उसको मैं आज विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और डमी एडमिट कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे सुधार होगा, या आप पहले से ही आपका करेक्शन कुछ करना है जैसे कि आपका मार्कशीट नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, या फिर कोई सर्टिफिकेट नंबर हो गया, सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ विस्तार पूर्वक। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और बिहार STET के कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको ये नोटिफिकेशन मिल चुका होगा और वो इस अपडेट से परिचित हो पाएंगे, पर जो लोग नए आए हैं उन लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कोई भी इसका अपडेट जारी हो तो आपको तुरंत पता चल सके। दोस्तों, मैंने पहले के वीडियो में बता रखा था कि किस प्रकार आपको करेक्शन करना है, पर इस बार आपको पेपर के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि कब इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं डमी एडमिट कार्ड, और करेक्शन का जो फाइनल डेट है वो आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया है तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। पर सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देख लीजिए कि इस वेबसाइट से ही आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और इस वेबसाइट पर मैंने पहले भी इस इंफॉर्मेशन को आप सभी को हाईलाइट करके बताया था और फिर बता रहा हूँ कि जिन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम है वो पहले ही अपना संशोधन यानी कि सुनिश्चित कर लें कि आखिर उनका क्या आखिर प्रॉब्लम है, उनका जो भी आवेदन में जो भी त्रुटि है उनको हाईलाइट कर लें और आपका जो डेट जो निकाला जाएगा वो अंतिम होगा, यानी आपको जो डेट होगा उसके बाद फिर कभी आप उसमें करेक्शन कर नहीं कर पाइएगा और वही लास्ट डेट होगा जो डेट आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका किस डेट को डमी एडमिट कार्ड और किस डेट को आपका करेक्शन होगा। बशर्ते पहले आप ये जान लीजिए कि आपका लास्ट मौका होने वाला है और जो भी आपका जानकारी गलती हुआ है उसको आप लोग पहले से ही हाईलाइट करके रख लें। तारीख आपका यहाँ पर बता ही दिया गया है कि आवेदन पत्र भरते समय हुई त्रुटि को सुधारने एवं डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु पोर्टल आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के एक दिन बाद खोला जाएगा, यानी आपका 2 तारीख यानी 2 जनवरी तक लास्ट फॉर्म था जिसके बाद आपका 3 जनवरी को मैंने बता रखा था। तो चलिए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं कि आखिर किस डेट को अंतिम मौका आप सभी को करेक्शन का मिला है। तो चलिए देखते हैं इसके जो ऑफिशियली डेट है करेक्शन का उसे। दोस्तों, जो ये आप रेड कलर का लाइन देख रहे होंगे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिहार STET से जुड़ी जानकारी है और मैंने इसका जो भी है ये जानकारी आज के दैनिक भास्कर अखबार में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो आपका शासन प्रशासन का जो पेज होता है उसमें आपका ये आर्टिकल छपा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 29 को जारी होगा डमी एडमिट कार्ड और 3 तक कर सकते हैं सुधार। जैसा कि मैंने पहले के भी वीडियो में बता रखा था, जो लोग देख लिए होंगे उनको पता होगा कि मैंने आपको बता रखा था कि 3 जनवरी को आपका करेक्शन डेट होने वाला है और ये फाइनल करेक्शन डेट आपका 3 तारीख को जारी कर ही दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि और डमी एडमिट कार्ड की सूचना भी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, यहाँ मैं फुल आर्टिकल को आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि इस आर्टिकल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी BSSTIT 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर को इन्होंने रखी थी। वेबसाइट आपका ये था, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का डमी एडमिट कार्ड 29 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। वही डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि में सुधार 3 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जिनका पहले ही यानी कुछ एप्लीकेशन करते ही समय कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सम्मिलित होकर आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब डमी एडमिट कार्ड में आपको सुधार करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में अब कोई सुधार होने वाला नहीं है। जो जानकारी है वो सारा आपका डमी एडमिट कार्ड में मिल जाएगा और उसकी जानकारी में आप लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और उस जानकारी से आप लोग यहाँ पर 3 जनवरी को इन्होंने जारी कर दिया है ऑफिशियली तौर पे कि एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं बिहार बोर्ड STET 2024 के आवेदन पत्र में। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 29 दिसंबर को आप सभी का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे डालकर आप लोग 29 दिसंबर से डाउनलोड कर पाइएगा डमी एडमिट कार्ड। डमी एडमिट कार्ड इसलिए जारी होता है क्योंकि आपका जो भी करेक्शन है आप उसमें कर सकते हैं। अब फाइनल एडमिट कार्ड की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसका जब भी कोई फाइनल एडमिट कार्ड या कोई भी इससे जुड़ी जानकारी आए तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 3 जनवरी तक अब आप लोग इसमें करेक्शन कर पाइएगा, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट से जुड़ा हो, सर्टिफिकेट से जुड़ा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड, सारा कुछ आप लोग करेक्शन कर पाइएगा निश्चिंत 3 जनवरी से। तो ये बात आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, डमी एडमिट कार्ड 29 तारीख से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये अपडेट अच्छा लगा होगा बिहार STET से जुड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर आपके मन में कोई डाउट रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।